सरिलानि अमल हेले खुलिलानि धान मंडी गंजाम रे मातिलानि आंध्र धान बेपारी अभावी बिक्री रो शिकार मुख्यमंत्री को जिलार चासी नवरंगपुर रे भी माति छंती छत्तीसगढ़ व्यवसायी कहा स्वार्थ रे काम करुछंती बीजेडी सरकार ओडिशा चासी ना पड़ीसा राज्यर दलाल अमल सरी खळारे गदा होईछि धान हेले गंजाम जिले में एजाए खोलानी धान मंडी अमल धान को केते दिन केउठी रखिबे ताकु नै चिंतारे चासी जहार फायदा नै चासी कठारु साग माछ दर रे धान किणी नेउछंती आंध्र व्यवसायी ट्रक लगाई हजार हजार क्विंटल धान बोही नेउछंती दलाल प्रथमे मरुड़ी तापरे अदिनिया वर्षा प्रकृतिर दाउ सत्वे जहाँ धान बंची जाइथिला ताकु बिकी वर्षकर खर्च उठाइबाकु जेऊ आशा रखिथिले चासी राज्य सरकार का अपारगतारू ताहा हेबाकु बसीछि धूलिसात मोर जमी रे बिल धान काटिकी वर्तमान जमी रे पकेछु से धान आम क्या बेपारी की दे पारुनु अन्य बाहर बेपारी माने आसिक आमको कम पैसा मागुछंती किछि छोट छोट बेपारी माने भी से धान दे सारलेनी वर्तमान बारा खाउछि भमा खाइगलेनी वर्तमान आम सरकार को मांग करुछु जे आमर जल्दी जिते शीघ्र पारे मंडी खोलें आम धान मंडी की देपरू धान अमल हो प्राय घर को धरी आस रखी बहुत दिन है बाहर पड़ रहा से बाहर जो रहा द्वारा बारा हरण ये सब नष्ट कर गले थंडा काकर भी पड़ रही इंद्रा को आम देखू जो लेट है एपट भी लस हम मूसा फुसा डुंगे खाई सब नष्ट कर आंद्रा को रेट कम हेल्ली भी आम बाध्य देवु आय ना कि लोक भी आंद्रा को आम तो चाषी भी दे सारे सारे चलित वर्ष गंजाम जिले में 146,541 जन चाषी पंजीकृत कर 46,76,000 क्विंटाल टार्गेट आसी किंतु डिसेंबर अधा हो सारि हेले मंडी खोलानी तेणु यथाशीघ्र मंडी खोली टार्गेट रे धान किणवाक दावी करिछंती विभिन्न कृषक संगठन मंडी बर्तमान सुधा खोला गलानी मासे हेला धान अमल करके चाषी मैंने सब बिल रखिल बर्षा आसवा हेतु तो व्यस्त होकर आम धान काटिलु धान अमल कलु किंतु बर्तमान सुधा मंडी खोला हलानी से धान बिलमाला ही अच्छी से धान जहाँ तो बर्षार ओदा ही क्षति होता बर्तमान मूसा गाई गोरु बारा सब प्रकार क्षति करान को जगी रही किंतु सरकार आज पर्यंत मंडी खोल ना विभिन्न जगार धान कटा प्राय सर अमल भी है चाषी मैंने बाध्य आप मध्यस्थी दलाल कहतु आंध्र बेपारी मान आप 1370 टकर से बिकुंत गोटे भरसा रोनी सरकार चाषी मान भरसा रोनी जी आम धान किणा हाँ ना तेना बाध्य बेपारी कहतु दलाल मान बिकुं चाषी क्षतिग्रस्त होती नवरंगपुर जिले में भी सामान अवस्था रायगढ़ ब्लक में ए वर्ष धान मंडी खोल पूर्व अमल धान छत्तीसगढ़ को चलाण आरंभ हो गला पड़ोसी राज्यर दलाल आरएमसी फाटक कर्मचारी को हाथ कर दैनिक शह शह क्विंटाल धान छत्तीसगढ़ को बोही नेउछन्ति पुलिस प्रशासन और जोगाण विभाग जाणीशुणी चुप बसुवा अभियोग बार राज्य को व्यापक धान चलाण होवर मंडी रो टार्गेट पूरण हो कि ना से नहीं देखाई सन्देह लगाई ट्रैक्टर सब जबरदस्ती धान बेचवाक पड़ू एमती हेले आम चासी मन केमती चलबो आमर पाखे तो किछी उपाय नहीं धंधा व्यापारी तो नहीं आगे आमर धान बिकले आका पैसा मिलुछि धान न बिकले हाथ तो खाली धान टाकु आमे साहूकार मन जे ओछंती काटा करछंती तांग मन पर बिकलु किंतु आमे से मंडी रे बिकी पारनु आगे ए पर्यंत आमकु ना किछि खबर अछि ना किछि खाली मंडी खोलबो बोली कि ना आमे कहउछंती प्रतिदिन एठी छत्तीसगढ़ रो गाड़ी जाक आछि आउ भलो रेट रे धान किणी के नौचे आज्ञा से आम बाहर राज्य छत्तीसगढ़ बिकवाई बाध्य ओडिशा रे मंडी व्यवस्था ठीक ना मंडी रे कटनी चटनी भी चलुची ठीक समय रे से माने टंका भी पाई भी पारु ना अधिकांश धान आम अंचल धान चोरा चालाण होउची छत्तीसगढ़ को जेहेतु छत्तीसगढ़ सरकार अधिका रेट दउछंती तेणु एथिप्रति जदि सरकार जितेबाला पर्यंत सचेतन रही ना ठीक समय रे चासी मानको सबु प्रकार सुविधा जोगाई देबे ना मंडीर व्यवस्था ठीक हबो मंडी रे पलथिन रहबा व्यवस्था ओडिशा रे विलंबरे खोलीछि धान मंडी मंडी खोलिबा परे भी चासी को धान बिकिबा को दिन दिन अपेक्षा करबा को पडुछि
ତାପରେ ପୁଣି କଟନି ଛଟନିର ଶିକାର। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏ ବର୍ଷ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 କିଣିବାକୁ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଜେପି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଶସ୍ତାରେ ଧାନ କିଣି ଛତିଶଗଡ଼ ମଣ୍ଡିରେ ବିକି ମୁନାଫା କମାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ଦଲାଲ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଧାନରେ ବୋନସ ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଯେପରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ବି ଫେଲ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବିଜେଡି ସରକାର? ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ ନା ପଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଦଲାଲ? କୁମାରକୋଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।